नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांजी बंसल। चीन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। अब चीन ने अन्य पड़ोसी देशों की ही तरह अफगानिस्तान के खनिजों और अन्य संसाधनों को निचोड़ने की तैयारी शुरू कर ली है। खरबों डॉलर मूल्य के दुर्लभ पदार्थों की तलाश में विशेष वीजा पर एक चीनी प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान पहुंच चुका है। लिथियम परियोजनाओं के लिए उसने संभावित क्षेत्रों का मौका मुआयना भी शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। चालबाज चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पांच चीनी कंपनियां विशेष वीजा पर अफगानिस्तान के चाइना टाउन में पहुंच चुकी है, जबकि कुल 20 चीनी सरकारी और निजी कंपनियां मिलकर इस निरीक्षण अभियान की शुरुआत से ही विभिन्न स्थानों का दौरा करके वहां के खनिजों का अध्ययन जारी कर रही है। इन चीनी कंपनियों की समिति के निदेशक यू मिंगहुई का कहना है कि चीन ताइवान का प्रमुख साझेदार बनने की कोशिश में है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर आंख गड़ाए बैठे हैं और किसी भी सूरत में इन संसाधनों से भारत को दूर रखना चाहता है। दूसरी ओर तालिबान प्रशासन ने अफगान मीडिया के प्रतिबंधों के नए दिशा निर्देश जारी करते हुए उन टीवी नाटकों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनमें महिलाएं काम करेंगी। इसके साथ ही महिला एंकरों को इस्लामी हिजाब पहनने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही इस्लामी और अफगानी मूल्यों के खिलाफ सभी समाचारों और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध घोषित किया गया है। इस बीच पिछले 100 दिनों के तालिबानी शासन में अफगानिस्तान में सुरक्षा के हालात और बिगड़ गए हैं। इस दौरान आतंकी संगठन आईएस का असर बढ़ गया है। एक न्यूज चैनल के मुताबिक बीते 15 अगस्त से अफगानिस्तान में सुरक्षा को खतरे में डालने वाली करीब 7 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 630 लोगों की मौत हुई है या घायल हुए हैं, खासकर काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए आत्मघाती हमले, कुंदूज और कंधार में शिया मस्जिदों में आतंकवादी हमले और काबुल में सरदार मोहम्मद दाऊद अस्पताल में हमले प्रमुख हैं। विस्तारवाद की राजनीति करने वाला चीन पहले भी ताइवान और भारत समेत कई देशों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर चुका है और अब जब अफगानिस्तान में संकट है तो चीन ने वहां भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।